बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अरे बिलिए जाए मेरी रूह तुम आँखों खोल, अरे बिलिए जाए मेरी रूह तुम आँखों खोल, परे भी लिए जा। बीच बगा के बैठ के लेकिन सो की खोल, परे भी लिए जाए मेरी रूह तू आँखा खोल, परे भी लिए जाए। बीच बगा के बैठ के लेकिन सो की कोल, परे भी लिए जाए मेरी रूह तू आँखा खोल, परे भी लिए जाए। अरस की खिलवत में हक की वाहे दत, अरस की खिलवत में हक की वाहे दत। बैठ के बाता जो करी, बैठ के बाता जो करी, वह कहाँ गई मरुपत, परे भी लिए जाए मेरी रूह तू आँखा खोल, परे भी लिए जा। बीच बका के बैठ के तेकिन सो किया कोल, परे भी लिए जाए मेरी रूह तू आँखा खोल, परे भी लिए जाए। मूल मिलावा खिलवत का अजू नावे याद, मूल मिलावा खिलवत का अजू नावे याद। ए झूठी जिमी दो जख की, झूठी जिमी दो जख की, इत कह लगे ओ तो स्वाद, परे भी लिए जाए मेरी रूह तू आँखा खोल, परे भी लिए जाए। बीच बका के बैठ के लेकिन सो किया कोल, परे भी लिए जाए मेरी रूह तू आँखा खोल, परे भी लिए जाए। श्री महामत कहे मोमिनो ऐसी क्यों चाहिए रूहान, महामत कहे मोमिनो ऐसी क्यों चाहिए रूहान। ए मेहर देखो महबूब की, मेहर देखो महबूब की, अरस जिनो बतान, परे भी लिए जाए मेरी रूह तू आँखा खोल, परे भी लिए जाए। बीच बका के बैठ के लेकिन सो किया कोल, परे भी लिए जाए मेरी रूह तू आँखा खोल, परे भी लिए जाए, परे भी लिए जाए, परे भी लिए जाए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो आई ब्याहन दुल्हे को, दुल्हा आए मुझ कारण, बांधे पालब सो पालब, पाट बैठे दुल्हा दुल्हिन, पाट बैठे दुल्हा दुल्हिन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की,
श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, सत पर सत दो पर्वत प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण, शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहने भाइयों, ब्रह्म ज्ञान रसधारा रसचर्चा जिसका नित्य निरंतर हम लोग आनंद ले रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, अपने को पावन और पवित्र बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो देखिए एक शब्द होता है सत्य, दूसरा शब्द है असत्य। सत्य क्या है कि जो है वही बताना, जिसमें तीनों काल में कोई परिवर्तन ना आता हो। कालत्रयेपि समान रूपेण यह तिष्ठति स सत। हमारे ज्ञानियों ने, मुनियों ने, विद्वानों ने सत्य क्या है उसकी परिभाषा करते हुए कहा कि तीनों काल में जिसमें कोई परिवर्तन आता ही न हो, सतयुग में भी वही, त्रेता में भी वही, द्वापर में भी वही, कली में भी वही, एक ही बात, एक ही बात, एक ही रंग, एक ही रूप, एक ही ढंग, एक ही अवस्था, कोई परिवर्तन है नहीं, अपरिवर्तनीय और वास्तविक है वो, उसी को सत्य कहा जाता है। उसके ठीक विपरीत असत्य अथवा झूठ किसको कहा जाता है, जिसका कोई आधार ही नहीं है। झूठ आधारहीन है, पर झूठ भी कहीं कहीं खड़ा होता है तो सत्य का आधार लेकर के, अन्यथा उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो झूठ क्या है कि उसका वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं है और उसका कोई रक्षक भी नहीं है झूठ का, तो ये असत्य अथवा झूठ भी दुनिया में है, जो परम धाम में तो नहीं है परंतु संसार में तो है ही है, क्योंकि संसार में प्रकाश भी है अंधेरा भी है ना, जीवन है तो मरण भी है, यहां पर पूर्णता है तो अभाव भी है संसार में, संयोग है तो वियोग भी है संसार में, सुख है तो दुख भी है संसार में, और गर्मी है तो सर्दी भी है संसार में, जवानी है तो बुढ़ापा भी है संसार में। इसलिए आप देखिए संसार में विविधताएं हैं और संसार में परिवर्तन है, परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं, अपरिवर्तनीय, एज इट इज, जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई जोड़ना न घटाना, न ज्यादा न कम, उसी को सत कहा जाता है। और जहां ज्यादा और कम होता है, जोड़ना और घटाना होता है, जहां पर परिवर्तन ही परिवर्तन है, उसको असत कहा जाता है। सत और असत के बीच में और एक शब्द, कल्पित शब्द बनता है ना, अर्ध सत्य कहते हैं ना, कुछ कुछ लोग अर्ध सत्य बोलते हैं, आधा सच आधा झूठ, वो और खतरनाक होता है। कभी कभी कोई बात आधी सुनी आधी नहीं सुनी, उसी का प्रचार में लग गए,
अर्ध सत्य के प्रचार में लग गए तो समाज के लिए नुकसान का काम होता है, समाज को उससे हानि भी होती है। इसलिए अर्ध सत्य तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए, वो बोलने की चीजें नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना कि समाज को गुमराह करने वाले, गलत दिशा देने वाले, ऐसे लोग अर्ध सत्य बोलते हैं। जैसे कभी कभी कहीं किसी से रास्ते पूछो, आप जा रहे हैं और दो राहें हो गई, एक इधर को एक इधर को, तो ऐसे समय में आप सोचते हैं कि किसी को पूछा जाए तो अच्छा। पर जहां पर नेविगेशन सिस्टम है, जीपीएस हो, तो मोबाइल में देख करके आप डेस्टिनेशन का आप डालेंगे तो फट से मोबाइल से तो पता लगता है यही रास्ता सही है, पर आपके पास वो सिस्टम नहीं है। या मान लो कि वहां पर नेटवर्क नहीं है, ऐसी जगह आप पहुंच गए तो आप वहां पर गुमराह हो जाएंगे, राह से भटक जाएंगे, जाएं तो किधर जाएं, दो समान रास्ते निकल रहे हैं। तो ऐसे समय में जो राहगीर लोग होते हैं ना, चलते फिरते वहां आ जाते हैं लोग, आप उनसे पूछ लेते हैं कि भाई मुझे तो यहां जाना है। जैसे आप देखिए कि अभी जो हम लोग कालिम्पोंग आते हैं तो पनबू का रास्ता कहा जाता है ना, एक तो तिस्ता का रास्ता है, कालीजोड़ा तिस्ता, टिस्टा नदी, और एक है कि पनबू रेली होकर के, रेली नदी है नीचे, वहां से उस नदी के सटे हुए पहाड़ से हो करके पनबू करके एक पिकनिक प्लेस है, वहां से कालीजोड़ा निकलते हैं। तो कई घुमावदार रास्ता है, उससे हम आए तो कहीं दो राहें, दो मार्ग हैं वहां पर। वहां किसी से आप पूछेंगे तो कुछ लोगों को पक्का पता होता है कि यही सही रास्ता है तो पक्का बता देते हैं, और कुछ लोग अर्ध सत्य बोलने वाले होते हैं तो उनको कुछ पक्का पता नहीं है, पक्का भरोसा नहीं है, अंदाज से ही बोल देंगे। अंदाज से बोलना समाज को नुकसानदायी होता है, कोई भी चीज अटकल से बोलना, अंदाज से बोलना, जो जा रहा है उसके लिए भी चक्कर काटने वाली बात होती है, वो भी परेशान हो जाता है। इसलिए कहीं भी अर्ध सत्य का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए। आधी अधूरी बात सुन करके गपशप कर देना, कहीं किसी की मृत्यु हुई नहीं, अफवाहें उड़ती है ना कभी कभी, कोई बीमार होकर के हॉस्पिटल चला जाता है, तो एक वर्ग समाज में ऐसा होता है कि हवा में बात कर देना, हाँ वो तो चला गया। तो जो अर्ध सत्य वाले होते हैं वो उसको मान करके वो भी दो चार दस बीस को फोन कर देंगे, ये आदमी तो चला गया चला गया। बाद में समाचार आता है कि उसका तो ट्रीटमेंट हो ही रहा है, अभी मरा कहाँ है, अभी अभी तो जिंदा ही है। पर अर्ध सत्य वाले क्या करेंगे, प्रचार करेंगे, और सुनने वाले भी अर्ध सत्य वाले वो आगे को प्रचार करेंगे, कितने लोगों को नुकसान हुआ, कितने लोग गलत समाचार लेकर के उससे परेशान हो गए। इसलिए सत्य, ऐसे कभी कोई समय आ जाए कोई कहे ऐसा तो फट से विश्वास नहीं करना चाहिए, रिकन्फर्म बोलते हैं ना आजकल, दोबारा रीचेक भी बोलते हैं, दोबारा उसको चेक करो और एक आदमी से पूछ लो ऐसी बात आ रही है क्या बात है, तो दूसरा भी कहे तीसरा भी कहे तो उससे बात कन्फर्म हो जाती है, हाँ बात सही है। और ऐसे ही एक आदमी से हमने सुना और उसके प्रचार में हम निकल गए, तो अर्ध सत्य हमेशा खतरनाक होता है, नुकसानदायी होता है, गलत मार्ग में भेजने वाला होता है। इसीलिए सत्य सत्य को पता करना, सत्य से जुड़ना,
सत्य तक जाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, सत्य को पाने के लिए तपस्या भी करनी पड़ती है। त्याग, तपस्या, समर्पण सत्य को छूने के लिए। पर एक बार सत्य से आप जुड़ गए तो वो रिश्ता कभी टूटेगा नहीं, फिर बना रहेगा आजीवन बना रहेगा। इस लोक में भी परलोक में भी सत्य से रिश्ता बना रहेगा। तो हम सत्यान्वेषी बने, सत्य की खोज करने वाले, सत्य पर जिज्ञासा रखने वाले, सत्य के उपासक, सत्य सेवी, ऐसे हम बन सकें, यही हम वाणी से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो सत पर सत दो पर्वत, ये तो एक जागनी के ब्रह्मांड में ब्रह्म आत्माएं राज्य से कैसे जुड़ती है। जैसे एक लड़की विवाह के बाद पति से जुड़ जाती है ना, जब तक विवाह ना हो तो वो स्वतंत्र है, पर विवाह होने के बाद एक पति से जुड़ती है तो जुड़ी रहती है, फिर आजीवन जुड़ी रहती है। हिंदू विवाह में है, हिंदू विवाह पद्धति में आजकल अब जो पाश्चात्य विवाह है, कोर्ट मैरिज है, वो अलग चीज है, पर हिंदू विवाह पद्धति को अरेंज मैरिज कहा जाता है ना। ऐसे व्यवस्थित जो विवाह है उसमें लड़की उस पति से वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद, वरमाला डालने के बाद, उसी के हो करके आजीवन उसी की सेवा में और उसी के घर में वो बनी रहती है। तो एक वैवाहिक बंधन हुआ, यहां तो आत्मा परमात्मा की बात है। फिर भी श्री जी ने इस रूपक के रूप में हमें ज्ञान दिया है तो हमें इसको समझना अच्छा होगा। तो कल भी उन्होंने कहा कि जैसे विवाह में गठजोड़ किया जाता है पल्लू से पल्लू बांध करके, तो पुरुष का वो जो साफा डालता है उस पल्लू को पकड़ करके, महिलाएं जो चुनरी डालती है उस पल्लू को पकड़ करके जोड़ दिया जाता है ना, ब्राह्मण लोग जोड़ देते हैं, गांठ लगा देते हैं। तो ऐसे ही हम भी राज्य के साथ भक्ति मार्ग में लग करके एक प्रेम की गांठ हम बांध लें राज्य के साथ, जो गांठ कभी खुले ना। तो इसके लिए श्री जी महाराज ये चौपाई बोल रहे हैं कि सत पर सत दो पर्वत, परम धाम में सत्य के दो पर्वत बने हुए हैं, एक अक्षरधाम है एक परम धाम है, और क्या। सत्य के पर्वत तो एक अक्षरधाम, एक रंग महल है। तो इस तरह से दोनों में एक तादात्म्य संबंध है, अक्षरधाम और परम धाम में, एक किशोर लीला एक बाल लीला। पर बाल लीला में भी किशोर लीला का अंश है, सत्य का अंश है, इसलिए दोनों के बीच में तोरण बांधे की तरह एक तादात्म्य भाव, तादात्म्य रूप, तादात्म्य संबंध स्थापित है। बिन तलिए विवाह हुआ, हाथों हाथ जोड़े मूल संबंध। विवाह के लिए तो कोई जगह चाहिए, स्थान चाहिए, पर कभी कभी क्या होता है कि स्थान की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आत्मा और परमात्मा का संबंध स्थापित हो रहा है तो जगह क्या चाहिए, क्योंकि आत्मा को शरीर के लिए जगह चाहिए, शरीर के लिए स्थान चाहिए, आत्मा के लिए कोई स्थान की कोई जरूरत ही नहीं होती है। हाथ से हाथ जोड़ दो, दिल से दिल जोड़ दो, मन से मन को जोड़ दो, विचार से विचार को जोड़ दो, वैवाहिक संबंध हो जाता है। ऐसे ही राज्य से जो हमारा संबंध जुड़ रहा है, सत्य से हमारा संबंध जुड़ रहा है, तो उस समय शरीर की चिंता नहीं करनी है हमें, आत्मा की चिंता करनी है। मंडल अखंड ये माडवा चोरी थंब रोपे हैं चार। पर एक समझदारी के लिए एक मंडप बना हुआ है, विवाह का मंडप होता है, और उस मंडप के अंतर्गत क्या होता है, उसको सजाया जाता है, स्थापित किया जाता है, ब्राह्मण लोग मंडप बांध लेते हैं, फिर चार जगह चार
क्या करते हैं कि चार थंबा बना लेते हैं ना, केले का थंबा बना करके। विवाह में ऐसे भी होता है कि चार केले को चार जगह बांध करके फिर वहां पर तोरण बंधन इत्यादि लगा दिया जाता है, हवन करने की जगह बनाई जाती है, दुल्हा दुल्हन को आसन पे बिठाया जाता है, ब्राह्मण लोग फिर कर्मकांड के श्लोकों का पाठ करते हुए विवाह की विधियां करते हैं। तो ऐसे ही कुछ रूपक श्री जी महाराज यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि चार थंब के बीच आत्मा और परमात्मा का संबंध स्थापित होने जा रहा है। सो थंब थापे थीर कर कौंस तीन को प्रकार, उस चारों थंब को स्थिर करके, हिलने डोलने वाले थंब नहीं है, क्योंकि जब तक विवाह हो रहा है विवाह के मंडप का थंब हिल जाए, दुल्हा दुल्हन फेरा ले रहे हैं और थंब इधर उधर से डोलने लगे, ऐसे थंब नहीं कायम होते हैं। इसीलिए जो थंब यहाँ पर रोपे गए हैं, स्थापित किए गए हैं, वो एकदम स्थिर है, वो कभी हिलते नहीं डोलते नहीं है, वो प्रकंपित नहीं होते हैं, वो सदा सदा सत्य से स्थापित हैं। तो कहते हैं कि वो चारों कौन कौन से हैं, फिर जानने की जिज्ञासा तो हर एक के मन में होती है कि वो चार थंब कहाँ कहाँ स्थापित किए गए। तो श्री जी महाराज कहते हैं एक ब्रज दूजो रास को, क्योंकि ये तो संसार में आने के बाद आत्माओं को परमात्मा से जुड़ करके परमधाम जाना है, परमात्मा के घर में जाना है, इसलिए चार के चार थंब जो परमधाम में, तो दो सत के पहाड़ हो गए, उन सत के पहाड़ से ही वो आत्माएं हो करके इस संसार की लीला में आई। तो कहते हैं कि एक ब्रज है, ब्रज का थंब, इसलिए ब्रज की लीला से विचलित नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा थंबन थंब डामाडोल रहेगा, अव्यवस्थित विवाह के बंधन में नहीं बंधना है, व्यवस्थित विवाह में हमें बंधना है। तो ब्रज का जो थंब रोपा गया है उसको भी सुदृढ़ता से उसको स्थापित किया जाए, ताकि ब्रज लीला से हम वंचित न रहें, क्योंकि ब्रज की लीला भी राज्य की लीला है ना, राज्य नहीं लीला की है, तो राज्य की लीला कोई कोई नकार दे कि हमें क्या करना, तो ऐसे नहीं चलेगा। एक स्तंभ, एक पाया ब्रज में स्थापित है, उसको भी मजबूती से हमें उसको पकड़ करके रखना है। दो जो रास को कहते हैं, दूसरा स्तंभ स्थापित किया गया रास में, तो हमें ब्रज को भी नहीं छोड़ना है, रास को भी नहीं छोड़ना है। रास को छोड़ दिया तो हम हाथ बांध करके बैठे रहेंगे, कहीं नाचेंगे ही नहीं, गाएंगे ही नहीं, उछलेंगे ही नहीं, कूदेंगे ही नहीं, निराकार जैसे हम हो जाएंगे, अस्तित्व हमारा कुछ होगा ही नहीं। रास ही तो नृत्य है, रास ही तो रस है, रास से ही तो जीवन में एक उमंग और उत्साह का वर्धन होता है, इसलिए दूसरा स्तंभ है रास का। दूजे दोए इन वैराट, अब फिर श्री जी ने कहा कि दो और स्तंभ स्थापित किए गए इस तीसरे ब्रह्मांड में। पहले ब्रह्मांड में ब्रज और रास को उन्होंने लिया, और जागनी के ब्रह्मांड में दो थंब स्थापित किए गए इस ब्रह्मांड में, ऐसा करके उन्होंने छोड़ दिया। तो इसमें एक तो नौतनपुरी धाम को लिया जाता है, एक पद्मावतीपुरी धाम को लिया जाता है, तो महामंगलपुरी का क्या होगा फिर, ऐसे भी प्रश्न कभी कभी उठता है, क्योंकि हमारे तो तीन पुरी धाम है ना, हम तीनों पुरी धाम को मानते हैं, तीनों पुरी धाम के जय जयकार हम करते रहते हैं, हमारी आस्था है, बीतकों के द्वारा हमें इतिहास मिलता है कि सदगुरु ने नौतनपुरी धाम की स्थापना की, तो महामती प्राणनाथ जी ने महामंगलपुरी और पद्मावतीपुरी धाम की स्थापना की। तो ऐसा कहा जाता है कि चार थंब के बीच में जो हवन के लिए जगह बनाई जाती है ना, हवन कुंड कहा जाता है ना,
तो ऐसे जो हवन का स्थान बनाया जाता है उसको महामंगलपुरी धाम के रूप में लिया जाता है। तो इस प्रकार से चारों थंब के बीच में महामंगलपुरी को भी हवन का स्थान भी आ गया। और चारों थंबो चोरी रची रचियो सुन्हे चला ठाट, तो इस तरह से चार थंब के बीच में एक चौरस स्थान मिल जाता है ना, बराबर का एक चौरस स्थान मंडप में बन जाता है। और इस प्रकार से सब नेचल ठाट मतलब ये सब के सब अविनाशी है, ब्रज भी अविनाशी, रास भी, हमारे तीनों पुरी धाम भी अविनाशी है। तो इस तरह से सब सुंदर रीत से सजाया गया, बांधा गया, व्यवस्थित किया गया ताकि आत्मा और परमात्मा का एक अखंड संबंध स्थापित हो जाए। और वो संबंध स्थापित कराएंगे गुरु, सद्गुरु महाराज, श्री जी महाराज, परमहंस गुरुजन उस संबंध को स्थापित करते हैं। एक बेर एक माडबे मोर अबादियों शेष। अब क्या होता है कि एक मुहूर्त में मुहूर्त देखा जाता है, फिर वो फेरा लेने का एक मुहूर्त होता है। तो जो दुल्हा होता है अपने सिर में क्या करता है कि मोर पंख से सुसज्जित जो मुकुट होता है, विवाह में जो पगड़ी भी लोग धारण करते हैं, कई लोग मुकुट कई लोग पगड़ी धारण करते हैं, और हमारे राज्य के लिए भी परम धाम में पगड़ी पहन करके भी राज्य रहते हैं। और मुकुट का प्रकरण तो सबसे लंबा है ना, श्रृंगार ग्रंथ में 229 चौपाई का मुकुट का प्रकरण है, वाणी में सबसे लंबा प्रकरण उसको माना जाता है। मुकुट कैसे भिन्न भिन्न धातुओं से सजा हुआ है, तैयार है, उसकी विस्तृत व्याख्या वाणी में मिलती है। तो इस प्रकार से आप मुकुट सोचिए या पाग आप सोचिए, तो उसमें ऐसे तरह से मोर पंख उसमें लगा हुआ है। तो ये प्रकार से मोर मुकुट बंसीधारी की जय, ऐसे कहा जाता है ना, ज्ञान की बंसी है, मोर मुकुट उन्होंने धारण किया है। तो ये कहीं ना कहीं श्री कृष्ण की लीला से भी संबंधित है, क्योंकि हमारी परंपरा में कृष्ण भक्ति सुदृढ़ता से स्थापित है। ब्याही बारे सहस्र को, या एक राधा जी का ही विवाह है, श्यामा जी का ही संबंध स्थापित हो रहा है सुंदरबाई के रूप में, या इंद्रावती का हो रहा है, ऐसे हमें नहीं सोचना है। 12,000 बारह के 12,000 जो ब्रह्मांगनाएं हैं उन सबको ये वैवाहिक बंधन में बांधने की भांति आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा रहा है, परमात्मा की अंगना है आत्मा, इस रूप में उनको स्थापित किया जा रहा है। और ये पुरियों की परिक्रमा कराई जा रही है, ब्रजरास की परिक्रमा हम लोग करें, वो ब्रजरास की परिक्रमा तो हम मन से कर सकते हैं, पर तीनों पुरी की परिक्रमा तो हम तन से भी कर सकते हैं। आज हम चाहें तो पुरियों की परिक्रमा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो ये क्या है कि आत्मा जागृति के लिए और आत्मा परमात्मा के अंगना बनने के लिए ब्रजरास और इन पुरियों के दर्शन करना बहुत जरूरी है, वहां परिभ्रमण करना जरूरी है। ये गुरुजन ही कराते हैं, गुरुजन कहते हैं अब परिक्रमा करो, तीनों पुरी के दर्शन करो, तो जागे हुए सुंदर सात दर्शनों के लिए पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से 12,000 जब जग जाएं और 12,000 तीनों पुरी के दर्शन कर लें, फेरा ले लें, और फेरा लेने के बाद जो भी विधियां होती है, विवाह की विधियां, हाथ से हाथ जोड़ देने की, ये सब विधियां होती है, ये सब संबंध हो जाए तो आत्मा जागृति का मार्ग अपने आप खुल जाता है। मात्र 12,000 के लिए नहीं, और 1,024 ईश्वरीय सृष्टि भी वहां जुड़ जाए, उनको भी परम धाम जाना है, वो भी खेल में उतरी हुई है ब्रह्म सृष्टि को साथ देने के लिए, संगत देने के लिए, इसलिए वो भी तीनों पुरी के दर्शन करके, वो भी परिक्रमा करके, वो भी राज्य के साथ संबंध स्थापित करके, गुरु आज्ञा शिरोधार्य करते हुए संसार में जब तक कहें गुरु रहेंगे ही रहेंगे। एकदम जैसे आप देखिए कि ऐसा विवाह है जहां कोई पुरोहित नहीं है, ब्राह्मण नहीं है,
सीधा लड़की आई और लड़के के गले में माला डाल देती है तो उसको विवाह नहीं कहा जाता है। कोई साक्षी, उस विवाह के लिए साक्षी कौन है, विवाह कराने वाला कौन है? देखिए कानून के हिसाब से भी आप देखिए तो कहीं कहीं क्या होता है कि वैवाहिक बंधन में अड़चन आ जाए तो कानून से ढूंढा जाता है कि विवाह किसने कराई, कौन सा ब्राह्मण है, किस मंदिर में विवाह संपन्न हुआ, कौन से कोर्ट में हुआ, जज कौन था, वकील कौन थे। संसार में जब तक है तो इन चीजों की तलाशी होती होती है। तो ऐसे ही राज्य के साथ हम तो जुड़ रहे हैं परंतु कौन से गुरु ने संबंध स्थापित किया, ये तो बात रहेगी रहेगी। जब तक दुनिया में है गुरु चाहिए, इसलिए आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए भी गुरु चाहिए चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हम सेल्फ, हम अपने आप ही हैं, पर अपने आप ही वर ढूंढना, अपने आप ही वरमाला डालना, वो कोई एक व्यवस्थित विवाह उसको नहीं माना जाता है। व्यवस्थित रूप से चलने के लिए गुरु की उतनी आवश्यकता है संसार के अंतर्गत। परमधाम जाने के बाद तो राज्य और सखियां आए वो अलग चीज है, पर संसार में तो गुरुओं का महत्व है ही है। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु ने 12,000 को भी राज्य से जोड़ा, 24,000 को भी जोड़ा। तीन फेरे दुल्हे पीछे फिरी। अब जो विवाह में क्या होता है कि 7 फेरे लिए जाते हैं ना, 7 फेरे ना लेना है तो 4 फेरे लेने से भी चल जाएगा। जैसे श्री जी महाराज ने यहां पर बताया, ऐसे तो 7-7 बार फेरा लेकर के ये प्रतिज्ञा होती है कि हम आजीवन साथ रहेंगे, कहीं भी सुख में दुख में धर्म कार्य में कर्म क्षेत्र में हम साथ साथ रहेंगे। ये प्रतिज्ञा करते हुए 7 फेरे लिए जाता है, कदम पे कदम रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या होता है कि 3 फेरे दुल्हे पीछे फिरी, जो अंगना होती है वो अपने वर के पीछे पीछे 3 चक्कर लगाती है, 3 बार फेरा कर लेती है। 4th फेरे आगल भाई, और चौथा जो फेरा आता है, चौथी जो परिक्रमा होती है, तो दुल्हा पीछे हो जाता है, दुल्हन आगे हो जाती है। ऐसा एक सिस्टम है, ऐसी एक विधि है। 3 बार तो दुल्हन पीछे फिर रही है ये प्रतिज्ञा करके कि हम तुम्हारे साथ साथ चलेंगे, तुम्हारे पीछे होकर के चलेंगे, तुम जैसा कहो उस रूप में हम हो रहेंगे, ये प्रतिज्ञा करते हुए घूम रही है। और 4th बार वो आगे इसलिए होती है कि जो वर होता है वो वधू को घर में लेकर के जाता है तो कोई भी कोई उपहार लेकर के आता है, सामान लेकर के आता है, तो पीठ पे ढोके नहीं आता है, सामने लेकर के आता है ना, हाथ में लेकर के। उपहार किसी को देना है तो हाथ में लेकर के आया जाता है ना। आप विवाह में देखते हैं ये सिस्टम है कि वो हाथ में ही उसकी महिमा होती है, पीठ पे आप लाद करके लाए हैं, जैसे बच्चे स्कूल में किताब पीठ पे लाद के जाते हैं ना, किताबों का बोझ ज्यादा होता है, ऐसी बात नहीं है, गिफ्ट आइटम हाथ में लिया जाता है। तो घर वालों को वधू गिफ्ट करने के लिए कि देखो इसके साथ मेरा विवाह हो गया, संबंध स्थापित हुआ, अब घर वालों के लिए भी एक उपहार बन करके आती है। ऐसे तो वो प्राणी है परंतु एक देखो तो एक मेहमान की तरह, एक वो क्या है कि सबके लिए अतिथि की तरह वो घर में आ रही है, तो उसको आगे करके दुल्हा लेकर के आता है और यही समझता है कि समाज के काम में मैं आगे, घर के काम में तुम आगे, क्योंकि घर की व्यवस्था तुम्हें संभालनी, समाज की व्यवस्था हम संभालेंगे। इसके लिए 3-3 फेरे वो पीछे फेरी, 4th फेरे में आगे हो जाती है। अब ए लीला सब गावसी, तो इसी तरह से ये क्या है कि परमधाम ब्रजरास की जो लीला में तो अंगनाएं सखियां पीछे होती है, राज्य आगे होते हैं। जागनी के ब्रह्मांड में राज्य सखियों को आगे कर देते हैं, तुम आगे हो जाओ हम पीछे रहेंगे,
तुम जग जाओ, तुम परम धाम पहुंच जाओ, ऐसे राजी आदेश देते हैं तो राजी शोभा देते हैं ब्रह्म सृष्टि को। तो ये लीला बहुत ही दुर्लभ लीला है, सुंदर लीला है, सारगर्भित लीला है। समझने के लिए संसार के विवाह का उदाहरण मात्र लिया गया है, परंतु ये अखंड लीला है, शाश्वत और सनातन पुरातन लीला है। ऐसी लीला में आत्माएं परमात्मा से जुड़ करके परमात्मा आत्माओं को श्रेय देते हैं कि तुम आगे हो जाओ। तो सखियां आगे आगे होकर के उस दिव्य परमधाम में अपनी मूल सुरता में जाकर के जग जाती हैं। तो ए लीला सब गाओ सी, इस लीला की महिमा सब लोग गाएंगे, सब मिल करी हैं सही, और सबके सब कहेंगे कि ये लीला सत्य है, वास्तविक लीला है, अखंड लीला है। इसमें कहीं बनवटीपन, झूठ, असत्य का कहीं प्रवेश नहीं है, सब कुछ 100% ये सत्य ही सत्य है। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा का मिलन होना चाहिए, और आत्मा और परमात्माओं की ये जागतिक संसार की लीला को पूर्ण करके परमधाम की ओर प्रस्थान करना चाहिए, जाग जाना चाहिए, मूल मुकाम और मूल घर में पहुंचने के लिए ऐसी व्यवस्था को उन्हें संभाल करके, ऐसी व्यवस्था को पालन करके आगे बढ़ना चाहिए। ये शिक्षा श्री जी महाराज दे रहे हैं। तो यहाँ आकर के इस प्रकरण का 10 उपाय तक हम लोग सुन पाए, क्योंकि कल से हम लोग क्या करेंगे कि अब फिर बिरानी गायन, तृतीया का उपवास, चतुर्थी का उपवास, उसके बाद वीतक का शुभारंभ, 1 महीने तक वीतक में हम लोग मस्त रहेंगे, वीतक में हम लोग यात्राएं करते रहेंगे, 3 फेरा लेने की तरह वीतक में भी ब्रजरास जागनी का फेरा लेते रहेंगे। तो फिर वीतक के बाद फिर वाणी चर्चा जब शुरू होगी तो मुझे यहीं से प्रारंभ करना है। तो ये 10 उपाय तक आज इस प्रकरण को हम लोगों ने सुना, जाना, समझा, सोचा, चिंतन किया और जीवन में उतारने के लिए प्रयास किया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम लोगों ने धूमधाम से मंगलधाम में और मूल मंदिर में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया। तो इस उपलक्ष्य में बहुत सारे सुंदर साथ ने सेवाएं भेजी गुरु पूर्णिमा के लिए, ऑनलाइन सेवाएं भी आई, डायरेक्ट जो बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं वैसी सेवाएं, कुछ लोगों ने प्रत्यक्ष आकर के यहाँ सेवाएं दी। तो ज्यादातर सुंदर साथ तो यही कहते हैं कि हमारी सेवा का वर्णन न किया जाए, ये सब सेवा ऐसे ही रखा जाए, इस तरह से भी उन लोगों की इच्छा होती है। कुछ सुंदर साथ कहते हैं कि परिवार में भी जागृति आ जाए, थोड़े लोग सुनेंगे तो नए लोग भी तैयार होंगे, परिवार वाले भी खुश होंगे, बारंबार सेवा होती रहेगी। तो कुछ नाम मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ कि दार्जिलिंग मिरिक से परीक्षित छेत्री के जन्मदिन के शुभ अवसर पर इनके माता पिता देवी छेत्री, प्रेम कुमार, संपूर्ण परिवार, प्रभाकर, प्रतिभा, जिम्मा इत्यादि परिवार की ओर से राजभोग और भंडारे की सेवा हमें प्राप्त हुई, उनको मंगल बधाई, मंगल कामनाएं। और इसी गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मुंबई बांद्रा निवासी मालती मधुकांत ठक्कर और वर्ली निवासी प्राग जी, गोपाल जी एंड सन्स की ओर से भी हमें गौ सेवा के लिए ये प्राप्त सेवा प्राप्त हुई है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ही हम लोगों ने मुंबई कांदिवली निवासी कांता रामानुज जोशी के नाम से हम लोगों ने पारायण, गोटा पारायण का पाठ किया, उनको भी मंगल बधाई स्वास्थ्य लाभ के लिए। और मुंबई घाटकोपर निवासी मीता सोमैया ने भी, और मलून से पूर्णिमा कीर्ति सोमैया परिवार की ओर से भी हमें सेवा प्राप्त हुई है, और भी बहुत सारी सेवाएं हैं। तो समय के हिसाब से मैं सब कुछ आपके समक्ष रखता जाऊंगा, आज का समय हमारा पूर्ण होने आया, इसीलिए चौपाय दोहराते हुए प्रसंग को यहीं विराम दे रहे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, तेना फेरे दुल्हे पीछे फिरी,
चौथे फेरे आगल भाई अब ए लीला सब गावसी सब मिल करी है सही सब मिल करी है सही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सदगुरु महाराज की श्री धाम के धनी की प्रणाम।
जानना।